क्या होगा, ये फेज वोल्टेज होगा, ये सी फेज की वाइंडिंग है तो इसका ये फेज वोल्टेज होगा, ये वाइंडिंग है ये फेज की, तो इसमें जो वोल्टेज प्रवाहित होगा वो क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज। अब देखिए ये जो बी फेज की वाइंडिंग है ये यहाँ पर इसके समांतर क्रम में वोल्टेज कितना है, VL है, लाइन वोल्टेज है, तो ये लाइन वोल्टेज चाहे आप यहाँ मेजर करें चाहे यहाँ मेजर करें चाहे यहाँ मेजर करें समान ही होगा, क्योंकि वो लाइन वोल्टेज के समांतर क्रम में ये इस फेज की वाइंडिंग संयोजित है। तो आपने पढ़ा भी है कि अगर समांतर संयोजन में क्या होता है कि वोल्टता का मान सदैव समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये मोटर को किस तरह से प्रारंभिक धारा का मान कम करता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है ये स्टार और जो डेल्टा संयोजन जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया उनका एक कंबाइंड रूप है, है? तो इस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर में 9 टर्मिनल होंगे, 6 वाइंडिंग के लिए और 3 सप्लाई के लिए, और इसके लिए ये जो है सर्किट डायग्राम बना हुआ है इससे आप इस चीज को इसका संयोजन जो है किस तरह से करेंगे इससे बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है इसके मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं, तो मेन बैठ जाओ, तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में मोटर को संयोजित करके चलाने का है। तो मेन पार्ट था स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअली ऑपरेटेड, तो इसमें पहला पार्ट देखो सर, इसमें एक थोड़ा सा